कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू मॉडर्न क्लासेज ऑनलाइन स्टडी चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। हम भी आपके साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे मेहनत करते रहेंगे हम और 100 में से 100 को नंबर लाएंगे एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा। आज इंसेक्ट पेस्ट को डिस्कस करेंगे आज हम एग्रीकल्चर में, ठीक है। एंटोमोलॉजी बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एंटो मीन्स इंसेक्ट, ठीक। तो दोस्तों, इसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं और स्टडी ऑफ बर्ड को बोलते हैं और ऑर्निथोलॉजी, तो आप ये भी याद रखिए। तो एंटोमोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा इंसेक्ट कौन सी फसल को मतलब कि इन्फेक्ट वो करता है, ख़राब करता है। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है लीफ होपर, इसको पायरिला भी बोलते हैं। ये शुगर केन, जवार, बाजरा, वीट और बार्ले, इन फसलों में ये मतलब कि इनको ख़राब करता है ये। तो आप देख रहे हो लीफ होपर, देख सकते हो आप। तो दोस्तों, मैं आपको पिक्चर की हेल्प से सभी चीज़ें सभी कंसेप्ट क्लियर करूँगा, क्योंकि पिक्चर आपके माइंड में सबसे जब मतलब कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में वो ज़्यादा देर तक रहती है बजाय हम उसके पढ़ने के। तो हम पिक्चर की मदद से लेक्चर को करेंगे। तो आप सामने देख रहे होंगे लीफ होपर का, जिसको पायरिला भी बोलते हैं। तो ये शुगर केन, ज्वार, बाजरा, वीट, बार्ले को ये मतलब कि इन्फेक्ट करता है। तो आगे देखते हैं, ये था लीफ होपर। लीफ होपर के बाद आता है ये है, आप सामने देख रहे होंगे, ये वाइट फ्लाई है। शुगर केन, जवार, बाजरा, वीट और बार्ले सेम क्रॉप्स को ये इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो वाइट फ्लाई आप देख रहे होंगे। और दोस्तों देखना, इंसेक्ट का जो वर्ल्ड है ना, इंसेक्ट वर्ल्ड सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे मोस्ट अमेजिंग डाइवर्सिटी जो मिलती है इंसेक्ट वर्ल्ड में मिलती है। और सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होती है पूरे मतलब कि एनिमल किंगडम में, सबसे ज़्यादा इनकी स्पीसीज पाई जाती है। तो इंसेक्ट का मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है। तो आप देख रहे हो कितनी सुंदर मतलब कि इंसेक्ट की स्टडी बहुत ही मतलब कि वो है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट है, वाइट फ्लाई है ये। तो आप सिंपल याद रखें कि वाइट फ्लाई किस किस को ख़राब करती है, तो शुगर केन, जवार, बाजरा, वीट, बार्ले को मतलब कि ये इन्फेक्ट करती है। तो आगे देखते हैं हम, ये था वाइट फ्लाई, ये है आप देख रहे हो लोक्यूस्ट, ठीक है। लोक्यूस्ट आप इसको हरियाणवी में बोले तो, हमारी साइड तो इसको राम का घोड़ा भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है, प्यार से। तो ये लोक्यूस्ट है और ये पॉलीफेगस है। ये पॉलीफेगस का मतलब मैं बता देता हूँ, ये कई फसलों को ख़राब करता है, इसका कोई वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये कई फसलों को नुकसान पहुँचाता है, लोक्यूस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। टिड्डा इसका हिंदी में नेम है, ठीक है, लोक्यूस्ट। तो ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है। तो क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीफेगस इंसेक्ट, या इनमें से कौन सा पॉलीफेगस इंसेक्ट है। तो ये जो लोक्यूस्ट है, टिड्डा है, ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है। तो उसके बाद देखते हैं हम आपको तो आप सामने देख रहे हो, ये है पैडी स्टैम बोरर। पैडी स्टैम बोरर किसको इन्फेक्ट करता है, पैडी को, ठीक है, चावल की फसल को। तो ये पैडी स्टैम बोरर है। और ये आप सामने देख रहे हो राइस गंधी बग, ये तो बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। गंधी बग कब किस में लगता है, तो पैडी, जवार, बाजरा, मेज, तीन फसलों में, तीन चार फसलों में लगता है ये। तो ये आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो, ठीक। अब आप इसमें एक श्योर है कि मेरे मैं जो वीडियो बनाता हूँ मैं हर कंसेप्ट को क्लियर करवाता हूँ, ठीक। तो मैं वो पॉसिबल करता हूँ कि आपका जो माइंड है वो मतलब कि ऐसे कन्फ्यूज़ ना हो पेपर के टाइम। तो अब आप पिक्चर एक दो बार मेरी वीडियो देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, हाँ भाई वो स्टैम बोरर था, ठीक है, वो गंधी बग था। तो आगे देखते हैं हम, तो ये तो था लोक्यूस्ट भी देख लिया हमने, ठीक है। अब एक मिनट, तो ये लोक्यूस्ट था। तो आप देख रहे होगे शुगर केन टॉप बोरर को देख रहे होगे आप, ठीक है। ये शुगर केन टॉप बोरर है, शुगर केन, जवार, बाजरा, कांस और सरकंडा को ये इन्फेक्ट करती है, ठीक है। ये शुगर केन सूट बोरर है, शुगर केन, जवार, मेज को ये इन्फेक्ट करती है। तो आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो, ठीक, कितना कितना डिफरेंस है कि कौन सा इंसेक्ट के क्या कलर है। तो आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो ये गंधी बग का ये तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ये है, ठीक। तो ये है कॉटन जसीड। कॉटन जसीड आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर। तो कॉटन जसीड किस किस को इन्फेक्ट करता है, वो करता है कॉटन को और भिंडी को करता है ये कॉटन जसीड, ठीक। आगे देखते हैं हम, ये है कॉटन लीफ रोलर। ये इस बटरफ्लाई को, इसको हम जनरली बटरफ्लाई बोलते हैं लेकिन ये कॉटन लीफ रोलर है, असल में बटरफ्लाई नहीं है। तो इस चीज़ को इसको हमने कई बार देखा होगा लेकिन किसी ने सोचा है कि ये किस किस को, किस फसल को कितना इन्फेक्ट करता है। तो ये कॉटन को और भिंडी को इतना इन्फेक्ट करती है, कॉटन लीफ रोलर है ये, ठीक है। तो कॉटन लीफ रोलर देख लिया हमने। तो इसके बाद देखते हैं हम आगे, ये है
ये स्पोटेड बोल वर्म है, इसके ऊपर आप स्पोट देख रहे हो, ठीक है। इसको इसलिए स्पोटेड बोल वर्म बोलता है, ये भी कॉटन को और भिंडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये कॉटन मतलब कि स्पोटेड बोल वर्म है ये, ठीक। आगे देखते हैं, ये है, ये आप देख रहे हो, ये पिंक बोल वर्म है, ठीक है। पिंक पिंक सा कलर आपको दिख रहा होगा इसका, ठीक। कॉटन को और भिंडी को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। पिंक बोल वर्म भी कॉटन भिंडी को इन्फेक्ट करता है। आगे देखते हैं हम, ये आपको दिख रहा होगा मस्टर्ड एफिड आप देख रहे हो, ठीक। रेडिश राई, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर और टर्निप को ये मतलब कि इन्फेक्ट करती है। तो दोस्तों ये कुछ, ये पार्ट वन है हमारी एंटमोलॉजी का। तो ये कुछ इंसेक्ट पेस्ट थे जो मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको बहुत वीडियो अच्छी लगी होगी, और तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। बेशक लाइक मत करना आप, लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक। तो शेयर जरूर करना। तो थैंक यू दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ।